आप देख सकते हो हमारा हो चुका है तीसरे का पहला सवाल समाप्त। अब करेंगे हम दूसरा सवाल। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें भी ये साइन को कॉस में बदल लीजिए या फिर कॉस को साइन में बदल लीजिए। एक को बदलना है और प्लस के बाद इसमें एक बदल लेना है, इन दोनों में एक बदलना है दोस्तों, और इन दोनों में एक बदलना है। तो इसमें दोस्तों साइन को बदलोगे तो इसमें कॉस को बदलना है, और इसमें दोस्तों मान लीजिए कॉस को बदलें तो यहाँ साइन को बदलेंगे, बस ठीक है। हम इसमें कॉस को बदलेंगे और इसमें साइन को बदलेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बदल कर आंसर आपको दिखाते हैं लाकर। एकदम इजी सा सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों हमने कर लिया है सवाल को नोट। तो दोस्तों जिस प्रकार हमने अभी तक कॉस को साइन में बदल कर आपको पहले दिखाया है, उसी प्रकार इसमें भी बदल लेंगे। तो ये हो एक है साइन 25 अंश, ये इतना लिखा रहेगा। अब क्या होगा दोस्तों, ये हमारा कॉस है तो यहाँ लिख देंगे कॉस 90 माइनस 65 आंसर ये, इसको लिख देंगे। या फिर प्लस लगाए, प्लस लगाइए आप लोग, और यहाँ कॉस है तो कॉस को नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने कॉस को बदल दिया है, इसमें कॉस को नोट करेंगे अब, ठीक है। और इसमें बदलेंगे दोस्तों हम साइन को, तो हो जाएगा दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा हमारा है 65 आंसर। तो ये हमने लिख लिया। अब क्या है दोस्तों, हम लोग इसको नोट कर लेंगे, मतलब साइन 25 अंश को कर लिया है नोट। अब ये कॉस वाला बदलेगा तो हो जाएगा साइन 90 में से 65 जाएगा दोस्तों, बचेगा 25 अंश। और ये हो जाएगा प्लस, कॉस है कॉस 25 अंश है तो इसको हम कर लेते हैं नोट। अब है ये साइन, तो साइन बदलेगा कॉस में दोस्तों, कॉस लिख लिया, और 90 में से 65 जाएगा, बचेगा 25 अंश। तो ये हमारा दोनों बदल गया है। अब देखिए दोस्तों इसका दोनों का जब थीटा सेम हो और ये साइन साइन है तो हम इसको गुणा करके लिख देंगे साइन स्क्वायर 25 अंश, थीटा उतना ही रहेगा और ये स्क्वायर हो जाएगा बस। इसी प्रकार हम आगे कॉस में भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये दोस्तों प्लस है तो प्लस लगा रहेगा, ये कॉस स्क्वायर 25 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक फिर से फार्मूला बन चुका है, आपको हमने बताया है ना अभी तक। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दोस्तों थीटा सेम है, स्क्वायर भी है, देख लीजिए थीटा दोनों का सेम है और स्क्वायर दोनों में लगा है, तो इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो दोस्तों ये है सवाल, हो चुका है सवाल। आइए मिलते हैं अगले सवाल में, धन्यवाद।